तो जो आज मेरा कार्यक्रम कुछ एक शादियां हैं सबसे मिलने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की तैयारियां हैं वो पुरजोर शोर ऑलरेडी चालू हैं। लोकसभा चुनाव मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर रहेगा, और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो चुनाव हो वो जनता के मुद्दों को लेकर हमें चुनाव लड़ने चाहिए। और बीजेपी को अपने 10 साल उनको हो गए सत्ता में लगातार, पूर्ण बहुमत की सरकार दो बार बनी है, इस 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर जनता के बीच में जाना चाहिए। उन्होंने इन 10 सालों में कितनी गरीबी को ख़त्म किया है, कितना कालाधन समाप्त किया है, कितने रोज़गार दिए हैं, कितना निवेश आया है, चिकित्सा, बिजली, अस्पताल, इन सब चीज़ों पर अगर रिपोर्ट कार्ड जनता देखेगी तो स्वतः ही निर्णय करेगी किसने काम बेहतर किया। लेकिन भाजपा की कोशिश ये रहती है, जैसा आपने देखा चंडीगढ़ में जो हुआ, जो बहुमत के साथ पर्ची का वोट पड़ा उसको अधिकारी खुद ही खारिज करके उस पर लिख रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इससे घिनौना अपराध नहीं हो सकता कि आप एक छोटे चुनाव के अंदर सरकार का दबाव इस्तेमाल कर कर लोकतंत्र में वोट पड़े हैं, बहुमत स्पष्ट है, सब मतदाता खड़े हैं, जो 20-25 बहुमत वाली हमारी वोट थी सारी, उस पर खुद जानबूझ के उन वोटों को ख़राब कर रहे हैं। इससे बहुत संकेत लोगों के जहन में जाता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक खतरा पैदा हो रहा है। मैं मानता हूं कि 70 साल में जिन संस्थाओं को अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है उन संस्थाओं को मजबूत बना रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन इस देश का जो लोकतंत्र है, इस देश की जो संस्थाएँ हैं, उनसे अगर जनता का विश्वास उठ जाएगा तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, नुकसान देश का, समाज का होगा। इसलिए 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़ने जाने चाहिए। और जो हाल ही में हमारा इंडिया गठबंधन बना है, ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार जी पाला बदल गए एक बार फिर और बीजेपी के साथ चले गए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है, जो हमारा सीट शेयरिंग है, जो हम इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर सामने आए थे, उसमें कहीं को फ़र्क पड़ेगा। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी जी की यात्रा लगातार चल रही है, 2 दिन की यात्रा राजस्थान में भी होगी, लेकिन अभी वो 4-5 दिन के लिए छत्तीसगढ़ भी यात्रा आएगी उड़ीसा जाने के बाद। वो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बिहार में, जहाँ कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन आज धरातल पर हजारों हजार लोग उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इस बात से भाजपा भयभीत है। और राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठाए हैं वो मार्मिक मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, और उन्हीं इश्यूज़ को पब्लिक पसंद कर रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर के बाद बीजेपी 400 पार हो जाएगी। नहीं, राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये इस देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णय के बाद हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय दिया उसका सबने स्वागत किया है, और प्रभु श्री राम का अगर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें सबको खुशी है, सब उसमें शामिल हैं। लेकिन उस निर्माण का श्रेय लेना, भगवान राम को सीमित कर देना, भगवान राम कण कण में है, रोम रोम में है, और मैं कई बार कह चुका हूँ भगवान राम के बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अब इतना व्यापक स्वरूप किसी भगवान का हो, सबकी आस्था उसमें हो, और राम किसी एक दल, एक समुदाय, एक सरकार, एक नेता, एक पार्टी, एक देश के नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के हैं, तो उनको सीमित कर देना और उन उस पर राजनीति की दृष्टिकोण से उसको देखना, उसको मैं गलत मानता हूँ। इसलिए पब्लिक इश्यूज़ को लेके जज्बातों से परे हटकर वास्तविकता में चुनाव लड़ें, मुद्दों के आधार पर, इश्यूज़ के आधार पर चुनाव लड़ें, और कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस राजस्थान में बहुत बेहतर होगा इस बार। विधानसभा चुनावों में पार्टी को हार मिली तो अब क्या मुद्दे हैं जिनके लिए लोकसभा? अभी सरकार को बने 1.5-2 महीने हुए हैं, अभी पूरे पंचायतों में काम ठप है, कोई डेवलपमेंट का काम हो नहीं रहा, खाते सीज कर दिए हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, पुरानी सरकार के जो काम हमने सैंक्शन किए वो रोक के बैठे हुए हैं, सरकार बनने में समय लगा, मुख्यमंत्री बनने में समय लगा, मंत्री बनने में और समय लगा, मंत्री को डिपार्टमेंट देने में और समय लगा, तो ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है इससे कहीं ना कहीं विकास प्रभावित हो रहा है। और हम तो चाहते हैं कि जो आपने वादे किए उनको पूरा करिएगा। अब घोषणाएँ हो रही हैं, ERCP पर जो कल चर्चा हुई वो चर्चा अधूरी रही ना, क्योंकि वो जो MOU साइन किया है उसको सदन के पटन पर रखा जाना चाहिए, उस पर चर्चा करें, विवाद और संवाद होता है जब कुछ डॉक्यूमेंट सामने आएगा। और प्रदेश का हित सर्वोप्रिय है, इसमें कोई दल, किसी की दुश्मनी, किसी की दोस्ती, किसी नेता, किसी सरकार आड़ी नहीं आनी चाहिए। हम लोगों को सिंचाई का पानी, पीने का पानी और इंडस्ट्री का पानी, और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमें उम्मीद थी कि एक बेहतर कारगर समझौता होता और वो एक पारदर्शी तरीके से जनता से हम उसको उसका शेयर करना चाहिए, लेकिन घुमा फिरा के पानी पर्याप्त मिलेगा, आश्वासन मिला है, कब तक होगा, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। जो इतने सालों से मामला लंबित था उसको सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरह समाप्त कर एक जनता में भ्रम फैलाने का जो काम किया है उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे।